अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बाब धूम ईमानियात और इबादत के बारे में पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है दुनिया आखिरत की खेती। अजीज़ तलब व तलबात, इस दुनिया में लातद इंसान बस रहे हैं। बेशुमार हैवान, चरंद परंद और अशरात पूरी कायनात में फैले हुए नज़र आते हैं। हर जानदार अपने काम में मसरूफ है। हर तरफ ज़िंदगी की रौनक और चहल पहल नज़र आती है। आइए सबसे पहले हम कयामत के बारे में पढ़ते हैं। कयामत, कुरान मजीद में है कि दुनिया की ये ज़िंदगी तो बस एक खेल तमाशा है जो हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब फरिश्ता इसराफील सूर फूकेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये दुनिया की हर चीज़ फना हो जाएगी। दरिया, नदी, नाले और समंदर खुश्क हो जाएंगे, पहाड़ पाश पाश हो जाएंगे, सूरज चाँद और सितारों की रोशनाई ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवाय कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। ये कयामत का दिन होगा। उसके बाद हम मैदान हशर के बारे में पढ़ेंगे। मैदान हशर, जब ये सारी दुनिया फना हो जाएगी तो फरिश्ता इसराफील अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा सूर फूकेंगे। सूर फूकते ही तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। वो अपनी अपनी कब्रों से निकल कर अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने के लिए मैदान में जमा हो जाएंगे। ये मैदान हशर होगा।